बालाघाट जिले की वारा सिवनी नगर पालिका में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आगजनी की घटना को रोकने के लिए कार्यालय में अग्निशमन यंत्र लगाया जाता है, लेकिन यहां की नगर पालिका में अग्निशमन यंत्र को फायर स्टेशन में स्टोर करके रख दिया गया है। इसे साफ पता चलता है कि जिम्मेदार लोग और विभाग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं आग को लेकर। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप के बाद भी नगर में साफ सफाई को लेकर बहुत लापरवाही बरती जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शासन से निर्देश दिया गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप के कारण नगर को साफ सुथरा रखें। इसीलिए वारा सिवनी के बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय, शौचालय सहित आसपास की जगह सफाई के साथ मलेरिया ऑयल गैसिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और 16 तारीख से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इसमें नगर के सभी वार्डों में सफाई करवाई जाएगी। इस बयान से यह साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार जनता की जान एवं सुरक्षा को लेकर ये लोग कितने सजग हैं, जो शासन के आदेश के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो अपना काम कर पाए। ये उपयोग के हिसाब से यहाँ की जरूरत पड़ती है लगवा दी है। तो नगर पालिका में लगा हुआ है, अभी लगे हुए थे, जो खाली हुए उसको निकाल लिया, अभी इसको वापस वहाँ लगा। कितने दिन थे वहाँ पे खाली है लगे हुए? एक दो आपके पास में खाली है, इसको नए बुलवाया। कब से वहाँ पे लगे नहीं है? अभी तो लगे नहीं है वहाँ पर, नहीं लगे हैं। तो क्या इसको अंदर रखने का है या फिर कहीं लगाने का है? कभी आगजनी की घटना अगर होती है तो आप आग को काबू कैसे पाएंगे? अपने जो फायर जो है अपने पास में रखे, उसमें केमिकल वाले रखे हुए हैं स्टोर में, वहाँ पे जमे हुए, लेकिन वहाँ तो देखा नहीं गया है। नहीं, फायर में है ना, रखे हुए फायर में लगे हुए हैं, फायर गाड़ी में लगे हुए हैं। हाँ, फायर में रखे हुए रहते हैं, लेकिन नगर पालिका के आस पास या कहीं ऑफिस में लगाने का नहीं है? अभी फायर वहाँ से यहाँ पे आई है, अभी सेटिंग हो रही है सर, यानी जो फायर स्टेशन जो है अभी बन के तैयार हुआ है इसी महीने में, तो क्या इसको अभी सेट करने में थोड़ा समय लगेगा ऐसा? नगर पालिका में पर्याप्त व्यवस्था है और साथ ही हमारे पास दो फायर वाहन है, एक बड़ा फायर वाहन है, दूसरा छोटा फायर वाहन है, दोनों चालू हालत में है। विषम परिस्थिति में हम उसका विधिवत नियमानुसार उपयोग करते हैं। सर, अभी देखा गया कि हमने कुछ जगह कवरेज भी की है नगर पालिका के आसपास, तो लेकिन अग्निशामक यंत्र तो नजर नहीं आया है। नहीं, लगे हुए हैं हमारे पास अग्निशामक यंत्र, ऑफिस में लगे हुए हैं और एक्स्ट्रा भी अपने पास उपलब्ध है। 15 तारीख को बस स्टैंड एरिया पे और यात्री प्रतीक्षालय और मंत्रालय प्रसावघर इत्यादि और जितने भी नालियाँ हैं आजू बाजू उस पर कार्य किया है सफाई का, साथ ही पाउडर छिड़काव, फॉगिंग मशीन भी। सर, कौन से पाउडर का छिड़काव किया गया है? मलेरिया ऑयल है और केरोसिन पाउडर है इत्यादि भी है, उसमें सभी का हमने छिड़काव किया है। और ये अभी अभियान हमारा भी चलेगा और ये 16 तारीख से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। उसमें हम प्रत्येक वार्डों में सभी रोड हो चाहे नाली हो उस पर हम कार्य करेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे और जनता का भी हम उसमें सहयोग लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।